फाइनली अब पहुंच चुके हैं खड़े गणेश जी, जो कि कोटा के वन ऑफ द फेमस और मोस्ट फेमस गणपति टेंपल है खड़े गणेश जी। तो हम यहां पे पहुंच चुके हैं और करवाते हैं आपको अंदर से दर्शन। तो गाइस, आप स्टेशन से आते हो तो खड़े गणेश जी मंदिर की दूरी है 16 किलोमीटर और आप ये चौराहा देख सकते हो। यहाँ से कुछ आप इधर की तरफ एंटर करोगे तो यहाँ पर है खड़े गणेश जी का मंदिर। यहाँ पे विशेषता है कि गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली भीड़ रहती है, और यानी कि रात की 12 बजे से लाइनें स्टार्ट हो जाती है और बहुत तगड़ा आपको दिखाते हैं। गणेश उद्यान है और एक गणेश यानी पार्क बना रखा है, तो उसको भी दिखाएंगे आपको। और चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस, मैं अभी आया हुआ था कोटा, तो मैंने सोचा क्यों ना गणपति बप्पा के दर्शन किए जाए, तो मैं भी आ गया खड़े गणेश जी। तो चलते हैं और वहाँ पे चल के आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर गणपति बप्पा को लगता है मोतीचूर के लड्डुओं का भोग और बेसन के लड्डुओं का भोग। अलग अलग प्रकार के बॉक्स लगते हैं, भोग लगता है बाबा को। मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर लगी हुई है दुकानें पूजा प्रसाद वगैरह की, और यहाँ पर है मेरे सामने जो कि आप देख सकते हो गणपति बप्पा का मुख्य द्वार जो कि चलते हैं। वो इधर है गणेश उद्यान जो कि एक पार्क बना हुआ है। तो गाइस, अभी फाइनली हम पहुँच चुके हैं गणेश खड़े गणेश जी मंदिर प्रांगण में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और इधर है गणेश उद्यान जो कि इसका मुख्य द्वार है, और उधर खड़े गणेश जी के मंदिर का मुख्य द्वार है। तो पहले चलते हैं और गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे पार्क के अंदर। पार्क भी दिखाऊंगा मैं आपको। कुछ इस प्रकार का ये है मुख्य द्वार, और यहाँ है पूजा प्रसाद की दुकान है, और चलते हैं। ये है मुख्य द्वार, मुख्य द्वार से अभी हम करेंगे एंटर। और यहाँ पर एक शिलालेख लगाया गया है जिसपे आप देख सकते हो खड़े गणेश जी बावड़ी कुछ ऐसे लिखा हो गया है। मिलेंगे आपको जो कि आप ले जा सकते हो घर के लिए। और अब करते हैं हम एंटर। यहाँ पर एंटर करते ही हमें वो एक डोगी के दर्शन, क्योंकि दोपहर हो रहा है अभी, तो यहाँ पर कुछ भीड़ वगैरह नहीं है क्योंकि दिन का टाइम है, तो शायद क्या पता मंदिर भी बंद हो। तो गाइस, यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा है वो पूरे 600 साल पुरानी है। 600 साल पुरानी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है गणेश जी महाराज की, जो कि ये एक अनोखी बात है। और यहाँ पर जो भी अपने सच्चे मन से गणेश जी के दर्शन करता है और मनोकामना मांगता है वह पूरी होती है यहाँ की, यह भी विशेषता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बुधवार को। हर बुधवार को यहाँ पर एक मेला लगता है गणपति बप्पा का, और ये कोटा का सबसे फेमस गणपति मंदिर है। और इस मंदिर परिसर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक बीच में एक पार्क और फाउंटेन बनाया गया है। तो गाइस, चलते हैं और करते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस प्रकार का मार्ग है, और यहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगाए गए हैं जो कि शाम के टाइम चलते हैं। और चलते हैं अभी बप्पा के दर्शन करने, और बोलिए जय श्री गणेश, बोलो गणपति बप्पा मौर्या। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री गणेश। आप देख सकते हो अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार पे, और यहाँ से गणपति बप्पा का जो कि मेन पांडाल बना हुआ है जो स्टार्ट होता है, और ये बंदर देख सकते हो और कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, और इधर एक
तालाब बना हुआ है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर कमल आ रहे हैं, देखिए कमल खिल रहे हैं, बहुत सारे कमल आ रहे हैं इस तालाब में। वो इधर ही मंकी है। अभी हम करने जा रहे हैं बापा के दर्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर गणेश जी की जो प्रतिमा रखी गई है, जो कि खड़ी प्रतिमा है। तो गाइस गणेश जी का मंदिर, खड़े गणेश जी का मंदिर कुछ इस प्रकार का बनाया गया है। यहाँ पर मेरे पीछे जो कि आप देख सकते हो शू रैक बनाए गए हैं। यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो, शूज़ रख के आप गणपति बप्पा के दर्शन करने जा सकते हो। यहाँ पर पीछे है आमा भंडारा, जो यहाँ पे भंडारा वगैरह, लंगर वगैरह चलते हैं, रसोई वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो, तो वो सुविधा दी गई है। और यहाँ पे ये मंदिर प्रांगण का कुछ, मंदिर परिसर का प्रांगण कुछ इस प्रकार है जो कि आप देख ही सकते हो। और चलते हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के घंटे लगाए गए हैं, कुछ इस प्रकार की स्टील की रेलिंगें लगाई गई हैं जो कि जब भीड़ होती है तो इन लाइनों में होकर निकाला जाता है श्रद्धालुओं को। खड़े गणेश जी का मंदिर कुछ इस प्रकार है। ये है मुख्य द्वार और सामने मेरे बप्पा, गणपति बप्पा बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से वो गणेश जी महाराज के दर्शन कर सकते हो आप। ये कुछ यहाँ पर जो बाबा रहते थे पहले, उनकी समाधि स्थली बनाई गई है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर एक सामने एक मंदिर है और ये मुख्य मंदिर है जो कि 600 साल से अधिक पुराना है, इसको बताया जाता है। वो कुछ इस प्रकार का मंदिर है। सामने गणपति बप्पा की एक फ़ोटो लगाई गई है जो कि शायद गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कुछ इस प्रकार। और एक पीपल का पेड़ मिलेगा आपको यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार से ये मंदिर है। यहाँ पे भी हम करते हैं दर्शन। यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों के घर बनाए हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी घर बनाता है उसका भविष्य में घर बन जाता है। गणपति बप्पा उसका भी एक हाउस, एक घर बना देते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से है मंदिर। और इधर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी आपको ले के चलते हैं और करवाते हैं दर्शन। वैसे यहाँ पे एक कुंड बनाया गया है, यह कि कुंड नुमा एक बावड़ी है जो कि आप देख सकते हो। और मंदिर परिसर कुछ इस प्रकार है। और ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर बड़े बड़े स्टैंड पे गणेश चालीसा और भी मंत्र वगैरह कुछ लिखे गए हैं जो कि आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। वो कुछ इस प्रकार का मंदिर है। यहाँ पे दो वाटर कूलर लगाए गए हैं जो कि आप देख सकते हो, शूरेक वगैरह। और ये भंडारा है। तो गाइस अब चलते हम गणेश उद्यान के अंदर, गणेश पार्क के अंदर, वो करते हैं एंटर और दिखाते हैं आपको गणेश उद्यान कैसा बना हुआ है। तो गाइस इसकी विशेषता है इसमें बहुत सारे अधिक मोर हैं और पशु पक्षी हैं और अनेक अनेक प्रकार के पौधे लगाए गए हैं और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये गणेश उद्यान। इस यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे, फ्लावर वगैरह लगाए गए हैं और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है गणेश उद्यान, जो कि आप गणेश पार्क भी बोल सकते हो इसे। पर है अलग अलग प्रकार की बर्ड्स और बंदर और भी पशु पक्षी यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के हैं, आप मेरे पीछे से देख सकते हो। आप चलते अंदर चल के आपको बताएंगे। तो गाइस कुछ इस प्रकार का है जो कि आप देख सकते हो, गणेश उद्यान कोटा विकास अधिकारी विभाग। ऐसे करते हैं अपन एंटर और यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं लिखी हुई है। गाइस अभी हम आ चुके हैं गणेश उद्यान के अंदर जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी हम एंटर कर चुके हैं तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको
और यहाँ पे शिलालेख लगे हुए हैं, तो उनको दिखा देता हूँ एक बार आपको। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ, और देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और कुछ इस प्रकार का बनाया गया है। और आप पेड़ पौधों की कटिंग देख सकते हो, क्या शानदार तरीके से कटिंग की गई है। टाइम आया हुआ हूँ तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की गैलरी बना रखी है। और आपको दिखाते हैं अलग अलग प्रकार के फ्लावर वगैरह, अगर आप आते हो ना तो एक बार ज़रूर विजिट करना। यहाँ पर लगाए गए अलग अलग प्रकार के फ्लावर पौधे और इनकी कटिंग भी आप देख सकते हो कुछ अलग ही प्रकार से की गई है, जो कि बहुत शानदार लग रही है, खतरनाक, बहुत मस्त गार्डन है। कुछ इस प्रकार से बहुत सारे फ्लावर और पौधों की कटिंग लगाई गई है। ये है मेहंदी के पौधे, और यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट पौधे हैं, पे अलग अलग डिफरेंट फ्लावर, बहुत सारी वेराइटियों के फ्लावर यहाँ पे लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पक्षी और मंकी और भी बहुत सारी चिड़ियाएँ यहाँ पर इस पार्क में हैं, तितलियाँ वगैरह जो कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर एक बार ये रेस्ट करने के बैठने के लिए एक हाउस टाइप का बनाया गया है बीच में, और यहाँ पे एक जंगल नुमा बनाया गया है, और बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं और पेड़ भी लगाए गए हैं जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो कि हरियाली वगैरह के लिए यहाँ पर एक ठंडक बनी रहे उसके लिए। वहाँ से चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है ये पार्क गणेश उद्यान, और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो वैसे ऊंट गाड़ी बनाई गई जो कि देख सकते हो आप, तो बहुत प्यारी। तो भाई साहब भी हम बैठे हुए हैं गणेश उद्यान के अंदर, एक पार्क के अंदर, जिसका कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आ सकते हो सवेरे 5 बजे से शाम को 8 बजे तक, इसकी टाइमिंग है। और आप गणेश जी के दर्शन करने आते हो तो एक बार ये पार्क भी विजिट करना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पार्क है। आप शाम को टाइम यहाँ पे आओगे तो आपको एक अलग ही सुकून, एक अलग ही अनुभूति होगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कचरा कचरे पात्र में ही डालना, क्योंकि सफाई बेहद ज़रूरी है अपने धर्म स्थल और अपने पार्कों पे। कितना ब्यूटीफुल पार्क है जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप मगरमच्छ, हाथी, मोर वगैरह और अनेक अनेक पक्षी बनाए गए हैं इस पार्क के अंदर। आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मगरमच्छ है, उधर हाथी है, मोर है, हाथी के बच्चे, शेर है, और कुछ इस प्रकार से है, और उधर हाथी है। गाइस अभी हो रही दोपहरी, और मैं पूरा पार्क आपको शायद नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि दोपहर में चलना बहुत बड़ी मुश्किल है। आप मिलते हैं ऐसे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।